हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ढाल सर क्लासेस। देर इज ए कंसेप्ट गिवन बाय अल्फ्रेड सोज, जिसको हम जर्मनी के शब्दों में उन्होंने दिया है, एंड विल ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। व्हाट इज अबाउट द सोशल वर्ल्ड, जिसको आप लाइफ वर्ल्ड समझे हो। आज हम लोग उसका सोशल वर्ल्ड, जो अल्फ्रेड सोज कहते हैं सामाजिक संसार, व्हाट इज दैट सोशल वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड सोज। सोच की जो सोशल वर्ल्ड को चार आधार पर बताते हैं, जो सामाजिक वास्तविकता को अगर समझना है या सामाजिक दुनिया को समझना है, तो सोच के हिसाब से चार आधार है, चार तरीका है। ये चार क्या है, उससे पहले हमें ये बताना है दैट द आइडिया ऑफ सोशल वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड सोच टू इम्पोर्टेंट डायमेंशंस। एक है डिग्री ऑफ इमीडिएसी। डिग्री ऑफ इमीडिएसी का मतलब एक एक्टर या एक इंडिविजुअल की जो सिचुएशंस है वो कहाँ तक उसके दायरा में है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक टीचर हो या आप स्टूडेंट हो, और आपसे जुड़े हुए जो स्थिति या परिस्थिति है आपके दायरा में है, कितना दायरा में है, द डिग्री टू व्हिच सिचुएशंस आर विद इन रीच ऑफ द एक्टर, ये आपकी दायरा की बात। दूसरी बात करते हैं डिटर्मिनेबिलिटी। डिटर्मिनेबिलिटी की बात जब करते हैं, तब कहते हैं जे आप कितने हद तक एज एन एक्टर अपने सिचुएशन के ऊपर कंट्रोल। ये आप दोनों चीज को मैं दोबारा बता रहा हूं। एक बात कहते हैं दैट डिग्री ऑफ इमीडिएसी, जिसमें आपके सिचुएशंस, आप एक व्यक्ति या इंडिविजुअल की जो सिचुएशन है आपके दायरा में है कितना। दूसरी डिटर्मिनेबिलिटी, द डिग्री टू व्हिच दे कैन बी कंट्रोल्ड बाय द एक्टर। तो पहला वाला तो आपके दायरे में है, दूसरी वाली बात जब कहते हैं तट आप उस दायरे में जो सिचुएशन से उस सिचुएशन को कंट्रोल कितना कर सकते हैं, वो आपकी डिटर्मिनेबिलिटी। इसी दोनों आधार को लेके चार चीजों के जो बताते हैं चार डायमेंशन में, उमवेल्ट। ये जो उमवेल्ट, मिटवेल्ट, फगल वेल्ट, वर वेल्ट, ये चारों जर्मनी टर्म है। उसका क्या मतलब है, एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। वो मेल्ट बेसिकली वही की बात करता है, वही रिलेशंस दैट आपकी जो एक्सपीरियंस है सामाजिक वास्तविकता के साथ डायरेक्ट रिलेशंस है। दैट मीन्स सेम स्पेस और टाइम के साथ लोग जब अपनी लाइफ को एक्सपीरियंस करते हैं, समाज की वास्तविकता को एक्सपीरियंस करते हैं, दैट बिकम्स उमवेल्ट। उमवेल्ट मीन्स यू आर एसोसिएटेड विद द फेलो मैन विद द सेम टाइम एंड स्पेस। इसका मतलब जब आप एक्सपीरियंस करते हो सोशल रियलिटी को, वास्तविकता को डायरेक्टली एक्सपीरियंस कर रहे हैं सेम टाइम एंड स्पेस में विद हाई डिग्री ऑफ इंटीमेसी, तो आपकी रिलेशंस विद हाई डिग्री ऑफ इंटीमेसी है। और आपके पास एक जो एक्वेंटेंस है पर्सनल विथ अदर वन, वो आपके पास आसान है। सो दैट मीन्स दिस इज वन इंपॉर्टेंट डायमेंशंस दैट वी मेल्ट अबाउट दैट हाउ द टाइम एंड स्पेस बिकेम द सेम टू एक्सपीरियंस द सोशल रियलिटी। एक सामाजिक वास्तविकता को समझने के लिए सेम तरीके के टाइम एंड स्पेस आपके सामने है, तब हम कहते हैं उमवेल्ट। सेकेंड टाइम की बात कर जो टाइप कहते हैं मिटवेल्ट। मिटवेल्ट उसको दे मींस, यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस होता है सामाजिक वास्तविकता को, जहां पे टाइम तो सेम है बट स्पेस डिफरेंट है। तो इसका मतलब जैसे आपको लगा दिस इज एग्जामिनेशन टाइम, बट एग्जामिनेशन टाइम में एक आपके घर पे हो और कोई एक हॉस्टल में है। सो द स्पेस इज डिफरेंट बट टाइम एग्जामिनेशन सेम। तो एक बंदा, एक इंडिविजुअल उसी लाइफ वर्ल्ड को सामना कर रहा है जो डिफरेंट स्पेस में, एक समय में और डिफरेंट स्पेस में। सो दैट बिकम्स यू आर एक्सपीरियंसिंग द सोशल रियलिटी इन द सेम टाइम बट ए डिफरेंट स्पेस। तो इसलिए जब भी आपकी जो सोशल स्ट्रक्चर के साथ आपकी इंटरेक्शन है, तो आपकी स्पेस काफी हद तक उस बात को प्रभावित
प्रभाव डालता है दैट हाउ द सोशल स्ट्रक्चर्स आर इम्पोर्टेंट इन द विद रिस्पेक्ट टू द स्पेस ना कि एक्टर. तो जहां पे टाइम सेम और स्पेस डिफरेंट सो दैट बिकम्स एन इम्पोर्टेंट डायमेंशन टू अंडरस्टैंड द सोशल रियलिटी. इसको मीट वेल्ट कहते हैं. ठीक, फगली वेल्ट मीन्स द फ्यूचर. फ्यूचर मतलब आपकी नेक्स्ट जेनरेशन आपकी लाइफ वर्ल्ड को या सोशल वर्ल्ड को या सोशल रियलिटी को कितना प्रभाव डालते हैं. जब आप और आपके नेक्स्ट जेनरेशन, सपोज आई विल से मी एंड माय नेक्स्ट जेनरेशन माय चिल्ड्रन, उनकी जो सिचुएशन को लेके मेरे सोशल वर्ल्ड में जो परिवर्तन आएगा, जो प्रभाव डालेगा, दैट बिकम्स फगली वर्ल्ड. दैट मीन्स देर इज नॉट सर्टेनिटी बट देर आर इन्फ्लुएंस बिकॉज ऑफ द सक्सेसर्स. सो द सक्सेसर हैज अ रिलेशनशिप विथ माय सोशल रियलिटी बिकॉज दे हैव अ रिलेशनशिप विथ मी एज अ सक्सेसर एंड दैट इन्फ्लुएंस द सोशल रियलिटी अटैच टू मी एज एन इंडिविजुअल एक्टर. वर्वेल्ट इट इज अबाउट द पास्ट दैट हाउ आवर प्रीडिसेसर्स मतलब फोर फादर्स जो हमसे पहले थे, हमारी फोर फादर्स, वो कितना हमारी लाइफ वर्ल्ड को, हमारे सोशल वर्ल्ड को प्रभाव डाले हैं. सो दैट मीन्स सो देर आर इशूज रिलेटेड टू आवर फोर फादर्स. सो दैट हैज अ रिलेशनशिप विथ आवर लाइफ एंड इट हैज बिन डिस्कस्ड इन डिफरेंट वे दैट कैसे हमारी फोर फादर्स की डिफरेंट सिचुएशंस आज तक हमारे ऊपर भी वो प्रभाव डालता है. सो दैट मीन्स इट इज माई लाइफ वर्ल्ड, सोशल वर्ल्ड, बट ये सोशल वर्ल्ड सिर्फ मेरा नहीं है, इससे जुड़ा हुआ कुछ प्रभाव जो हमारी फोर फादर्स का है. तो ये जो चार टर्मिनोलॉजी जर्मनी टर्म से अल्फ्रेड सूज इस बात को बताना चाहते हैं दैट हाउ द सोशल वर्ल्ड और द सोशल रियलिटी हैज अ रिलेशनशिप विद टाइम एंड स्पेस, डायरेक्ट रिलेशनशिप, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप, एज वेल एज द प्रीडिसर्स एंड सक्सेसर्स. इसी कॉन्टेक्स्ट में सोशल वर्ल्ड को डिफाइन करते हैं अल्फ्रेड सूज. थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग ढलसर क्लासेस.